देखिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं क्या पढ़ी है आपने पढ़ा है कि सरा सुनिए ध्यान से कि अगर आप किसी सोलेनाइड में करंट फ्लो कराते हैं तो सोलेनाइड में अगर आई करंट फ्लो होती है और उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एन आई जिसको कि कहते हैं एच ठीक है ठीक है एच लेकिन आपको मिलेगा कितना बाहर म्यू नॉट एच इतना मिलेगा आप किसी मटेरियल को उसके अंदर रख देते हैं तो मटेरियल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है मटेरियल के एटम्स कैसे हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं एटम्स क्यों हो जाते हैं एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सहायता से उन उसमें एक मटेरियल करंट फ्लो होती है आई एम तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है म्यू नॉट एन आई एम ये आप जानते हैं ना यही तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है हम चलो में वहीं से उठा रहे हैं वी नो दैट ये आप क्या है वी नो दैट हम जानते हैं या हमें जनाया जाता है हिंदी में कैसे इंग्लिश में हमें जनाया जाता है वे नो आई दैट नहीं जनाया अच्छा कुछ भी लिख दो अंग्रेजी में क्या दिक्कत है आपको याद होगा अगर म्यू नॉट कामन ले लें एन आई एम को क्या लिखते थे कैपिटल एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ जिसको कैपिटल एम लिखते हैं प्लस एच लिखते हैं तो यह फॉर्मूला आपने पढ़ा ना बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच ये पढ़ा है ना लिखिए लिखते जाइए अब देखिए ये क्या है एज इसको एक क्वेश्चन वन डाल दो ये क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल में जो डेवलप हुआ किसने किया सोलेनाइट ने किया उसमें जो करंट फ्लो रही थी ठीक है तो सोलेनाइट ने कितना दिया था मटेरियल को एच भाई मटेरियल के अंदर जो भी डेवलप हुआ है अलाइनमेंट जितना भी हुआ है वो देन किसकी है सोलेनाइट की ठीक है मतलब आपके अंदर जो भी डेवलपमेंट है किसकी है टीचर की सॉलीट की लेकिन बाद में कहेंगे उनका खुद ना उतरा वो तो क्या बताएं कि मतलब आ, वो दो सवाल थे तीन सारा हमका दस बार बारह रहे वो तो ऐसे रहे <laughs> लेकिन देन किसकी है सॉलिनाइट सॉलिनाइट इतना दिया लेकिन मटेरियल तो मटेरियल ठहरा उसने क्या किया अपनी परमिलिटी बराबर उसको कट कर दिया ये किसकी परमिलिटी है मीडियम की मटेरियल की तो ये इक्वल टू कितना हो गया बी ये तो होगा नहीं होगा मतलब अपने आप से पीछे अपने आप मिल जाएगा ना सो बाई इक्वेशन वन क्या दिखा आपको म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एम प्लस एच ठीक है म्यू को पहचानते हैं आप म्यू मटेरियल का होता है ना इसमें से एच काट सकते हो आपको ससेप्टिबिलिटी चाहिए ना ससेप्टिबिलिटी काई एम होता है ना क्या फॉर्मूला बताया गया था तो एम अपान एच लाना पड़ेगा ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से एच कामल ले लेंगे कामल ले लेंगे बड़े क्लास के मतलब हिसाब से कामल ले लेंगे तो हम अगर यहाँ से म्यू नॉट में से एच कॉमन ले लें तो यहाँ वन प्लस एम अपान एच बचेगा इधर क्या लिखा है म्यू ना, म्यूट म्यूनॉट टाइम्स ऑफ एच 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 गोइंग है अपने घर सोने बात आ रही नहीं आ रही है ये यह यहाँ तक नोट करिए क्योंकि जगह कम है ना एक तो गंदा लिखते हैं तो बहुत जगह ले अब देखिए इसको जरा देखिए म्यू अपान म्यू नोट कर दें इज इक्वल टू वन प्लस इसको पहचानते हैं यही तो ससेप्टिबिलिटी होती है यानी ये काई एम है ये क्या है ये रिलेटिव परमिबिलिटी है तो रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू वन प्लस काई एम ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया है नोट करिए इसको